राज औद्यानिक मिशन के तत्वावधान में आयोजित किसान मेला के अंतर्गत वी पार्क में विभिन्न विभागों तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें टिश्यू कल्चर, केला, शाक भाजी, मसाला, पुष्प, मशरूम, औषधि पौधों, खाद्य प्रसंस्करण का स्टॉल, बाल विकास पुष्टाहार का स्टॉल, IPM का स्टॉल, गन्ना विभाग का स्टॉल, हाई ग्रोथ इंडिया फाउंडेशन, ड्रिप सिंचाई से संबंधित स्टॉल तथा विभिन्न कृषकों के स्वयं के उत्पादन का स्टॉल लगाया गया, जिसका अवलोकन जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने किया तथा इसकी जानकारी किसानों को देने को कहा, जिससे किसान नई तकनीकी का ज्ञान अर्जित करने के साथ अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया, जैव हमेशा उसमें डेवलप करते रहते हैं। इसके अलावा मैं वो देता हूँ वेस्ट डीकम्पोजर, मुफ्त में देता हूँ उसको। वेस्ट डीकम्पोजर जी, वो जैसे आपका नेचुरल, उसको आप 200 लीटर पानी, 2 kg गुड़ में 1 हफ्ता तक डंडे से हिला दीजिए तो 200 लीटर तैयार हो जाएगा। 180 लीटर प्रयोग करिए, 20 लीटर आ जाए, फिर 200 लीटर पानी डाल के 2 kg गुड़ डाल के हिलाइए, वो 1 हफ्ते फिर तैयार हो जाएगा। जब पानी चलाने जाए तो खेत में उसको ड्राप वाइज अथवा अच्छा उससे डालते जाए तो जो लिक्विड वो जो आपका वेस्ट है, जो कटिंग करते हैं आजकल मशीनों से, 1 फुट 2 फुट छोड़ के काटते हैं, तो उसको काटने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो 21 दिन में डिकम्पोज कर देता हूँ, वो सब जैव है। और जो तत्व पौधा नहीं ले सकता तो ऐसा बना देगा कि वो पौधे लेने लगा, 2-4 बार प्रयोग कर अवेलेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जो हमारा इसी के तरह होना ही, इन लोग जला देते हैं, बड़ा बेवजह इशू होता है। उसके बाद लेक्चर करवा, अरे मेरे पास कम से कम आप बता दीजिए किसान लोग, लेक्चर करवा रहा हूं सर, हम तो सब तो आते हैं। कितने सब्सिडी देते हैं? ये सर 50% है, और जो बीज शोधक रसायन है उन पे 75% है, और ये सर जो जैविक रसायन है इस पर भी 75% है। ये सर पुदीनाशक है, बवेरिया मिला के रखा जाता है, फिर ये गोबर की खाद में जब मिक्सअप किया जाता है तो वो जर्मिनेट करता है। ट्रेनिंग हो रहा है, इसमें अनुदान वगैरह भारत सरकार से उत्तर प्रदेश से, तो एक नया स्कीम आया है, हर नया पंचायत तरीके की करती है, उसमें से कुछ उत्तरी विकसित किया जाए, जो मिनिमम 1 लाख रुपये इकट्ठा हो सकता है। किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है? अचार यहाँ ज़्यादा खा, अचार चलता जी, अचार ज़्यादा, अचार नहीं है, अचार या मुरब्बा, बेल मुरब्बा ये फोटो हम इधर आ जाइए होता है सर। ये जो ड्रिप लाइन पाइप है उसमें ग्रोनेट्स लगते हैं जो इस प्लास्टिक के ऊपर पानी छिड़कते हैं, जिससे क्या है कि एक्सटेंसिव हीट में भी ऊपर पानी पड़ने से थोड़ा सा टेम्परेचर में इफेक्ट आता है। सेकंड फेज में जो शेडिंग नेट होती है इसके रूफ टॉप पे भी लगती है, इसको हम लोग फैला देते हैं तो लक्स लाइट जो है वो कम हो जाती है, और ये लाइट इसके अंदर ज़्यादा हीट सब जाने नहीं। कितना खरीदा है? 1 लाख क्या होने फ्लैट सब्सिडी 50,000 की है, 50,000 ट्रैक्टर भी 1 लाख। अब खरीदने के बाद उनका पैसा पहुंच जाता है, कैसे करते हो? अभी तो सर हम लोग कुछ पैसा दे करके एजेंसी से लिए हैं, तो अनुदान आया हुआ है तो साहब के हाथ में है, अनुदान जल्दी क्लियर करवाई करके भेजने वाले हैं सर। जो गोरखपुर में विंध्यवासिनी पार्क में प्रदर्शनी लगी हुई है, खासतौर पे मंडल के किसान लोगों को बुला करके, खासतौर पे ऐसे 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। एक टिश्यू कल्चर है, जो बनाने में टिश्यू कल्चर में किसान के क्या फ़ायदा उसका है, और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, यानी मान लीजिए तो ग्रीन हाउस होता है इत्यादि होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, बट उसको जानकारी देने में क्या है, उनका जो प्रोडक्टिविटी 4 गुना 5 गुना बढ़ सकता है, उसी के एक तरफ ये प्रदर्शनी है, वो किसान का कार्यशाला भी ये पूरे दिन का है। ये जानकारी लेने के बाद तो किसान अपने आमदनी का
तीन गुना चार गुना आराम से बढ़ा सकते हैं, उसका जानकारी हम लोग दे रहे हैं। हाँ, इनका पूरा जो सिस्टम बताया जा रहा है, उनको जो टिश्यू कल्चर का जो कहाँ मिलता है, उसके कैसे कैसे करना है, और ग्रीन हाउस कैसे बनता है, क्या लागत में बनता है, किस किस क्रॉप के लिए वो फिट होता है, उसके अलावा तमाम विभाग अपने प्रदर्शनी लगा रखा है। वैसे पशुपालन विभाग का है, भूमि सुधार निगम का है, और अनेक विभाग का भी लगा हुआ है। किसान जो और विभाग से भी फायदा लेने चाहते हैं वो यहाँ आकर के ले सकते हैं। बिक्री के लिए फिलहाल नहीं है, केवल कार्यशाला है, आज किसान का कार्यशाला है, उनका जानकारी देने के लिए है। और बाकी जो इसका अभी तो हार्वेस्टिंग सीजन में हम लोग अलग उसके लिए तो स्टॉल लगाएंगे, ताकि जो आम जनता के भी फायदा मिल सकते हैं उसको, वो अलग लगाएंगे हार्वेस्टिंग सीजन।